पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम शुभाशितम, अर्थात जल जो जीवन है, अन्न जिससे शरीर चलता है, और सुभाषित अर्थात वे वचन, वे बात, वे सूक्तियां जो इस जीवन को जीने योग्य बनाती हैं। तो आज का प्रसंग केंद्रित है इसी रत्न पर जिसे जल कहते हैं, और जल में भी जल की उस पवित्र धारा के नाम, जिसे मैं अक्सर कहता हूं कि माँ गंगा कोई नदी नहीं है, बल्कि वो इस देश की ऐसी सांस्कृतिक महारेखा है जिसके दोनों किनारे इस देश की चेतना, इस देश का ज्ञान और इस देश का अस्तित्व सांस लेता है। आज से हजारों वर्ष पहले सगर नाम के एक प्रतापी राजा हुए, बहुत बलशाली, बहुत पराक्रमी। उनके 60,000 पुत्र थे। एक दिन राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों के साथ मिलकर अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और ये घोड़ा जहां जहां से होकर गुजरता है उस राज्य का वह हिस्सा उस राजा का होता है, और इस घोड़े को जो कोई रोकता है उसे राजा से युद्ध करना पड़ता है और जीतना पड़ता है, अन्यथा अपना राज्य हारना पड़ता है। तो राजा सगर ने अश्वमेघ करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली घोड़े को छोड़ा। वह इतना शक्तिशाली था कि तीनों लोकों में कहीं भी जा सकता था, और उसके स्वामी स्वयं इतने शक्तिशाली थे कि उस घोड़े को रोकने पर जो युद्ध करने की स्थिति आती थी, ऐसी शक्ति उस समय पृथ्वी के किसी राजा में नहीं थी। जब ये बात स्वर्ग के सम्राट, देवताओं के राजा इंद्र को पता चली तो वो बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने एक योजना बनाई, उन्होंने उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने उस यज्ञ की जिम्मेदारी अपने सबसे बड़े बेटे अंशुमान को दे रखी थी। उनके भाइयों ने देखा कि वह घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। अंशुमान के भाइयों को यह लगा कि घोड़ा जरूर कपिल मुनि ने ही चुराया होगा, और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कपिल मुनि के आश्रम पर तुरंत आक्रमण कर दिया। साधना में लगे हुए कपिल मुनि, उनको तो पता भी नहीं था कि बाहर क्या फजीता हो गया। जब आश्रम पर आक्रमण हुआ तब जाकर उनकी तपस्या भंग हुई, तो तपस्या से जो ऊर्जा उनकी आंखों से निकली उसमें वे 60,000 लोग जलकर भस्म हो गए। जब उसे पता चला कि उसके भाइयों ने यह अनर्थ कर दिया है और कपिल मुनि ने उन्हें दंड दिया है, तो अंशुमन तुरंत कपिल मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने मुनिवर से अपने भाइयों के इस कर्म पर, जो बिना तर्क बिना सोच के किया गया था, इसके लिए क्षमा मांगी, और उदार हृदय मुनिवर कपिल ने अंशुमान को क्षमा कर दिया और उसके भाइयों को क्षमा कर दिया। अब अंशुमान ने पूछा कि प्रभु आपने क्षमा तो कर दिया, पर ये भस्म के रूप में पड़े हुए मेरे भाई, इनकी मुक्ति का मार्ग बताइए। मुनि ने अंशुमान को यह बताया कि तुम्हारे भाइयों को जो मैंने भस्म किया है, यदि उनका स्पर्श पवित्र माँ गंगा की किसी धारा से हो जाए तो तुम्हारे भाइयों को निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए मुक्त कामी चेतना का द्वार कहा जाता है गंगोत्री को। मुनि से अपने भाइयों की मुक्ति का मार्ग जानने के बाद अंशुमान ने बहुत प्रयास किए कि किसी तरह माँ गंगा पृथ्वी पर आ जाए, किंतु इतनी बड़ी देव नदी को पृथ्वी पर लाना कोई सामान्य काम तो था नहीं, वो सफल नहीं हो सके। और उन्होंने ये दायित्व अपनी अगली पीढ़ियों को सौंप दिया, अपने वंशजों को सौंप दिया, और एक यशस्वी वंशज ने अपने पूर्वज की इस प्रतिज्ञा को मूर्त करने के लिए अखंड तप किया, और उन्हीं के द्वारा पृथ्वी पर लाए जाने के कारण माता गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। और अवधारदानी शंकर, तपस्या पर मुग्ध हो जाने वाले शंकर ने भगीरथ से कहा कि वत्स बता, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तब भगीरथ ने कहा, प्रभु इस माता गंगा का वेग केवल आपकी जटाएं ही संभाल सकती हैं, और माँ गंगा ब्रह्मा के लोक से शंकर की जटाओं से होती हुई पृथ्वी के स्पर्श करने के लिए आ गई, और सगर के 60,000 पुत्रों के साथ साथ आज तक, आदि अनंत तक और आने वाले अनंत काल तक हम सब की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली बनी। अब इस कथा का प्रतीक शास्त्र क्या है? सबसे पहले राजा सगर से शुरू करते हैं और उनके 60,000 पुत्रों से। 60,000 पुत्र अर्थात राजा सगर की सेना के 60,000 सैनिक, जो नायक, संस्थान का जो सबसे बड़ा व्यक्ति अपने साथ काम करने वालों को अपना बेटा समझता हो, अपना भाई समझता हो, उसका ही अश्वमेघ का घोड़ा तीनों लोकों में आराम से दौड़ता है। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त, जिसने अश्वक्षर मुद्रांकित इस देश को कर दिया था,
जो भारत के महानतम सम्राटों में से एक है, उसे अपने सैनिकों के बच्चों तक के नाम याद थे। एक सार ये है। दूसरा प्रतीक अविवेक और अहंकार सिर्फ व्यक्ति नहीं बड़े बड़े कुल और समूहों को नष्ट कर देते हैं। 60,000 योद्धा, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और ऐसा काम कि अगर ठीक से पूरा कर ले तो तीनों लोकों में उनकी जय जयकार हो जाए। लेकिन सिर्फ शक्ति के अहंकार में उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि कपिल मुनि जैसे तपस्वी, जो पृथ्वी के सारे वैभव को तुच्छ मानकर अपना पिंडदान स्वयं कर चुका हो, उस सन्यासी को तुम्हारे घोड़े से क्या मतलब। लेकिन महाकवि दिनकर कहते हैं, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसलिए शक्ति के साथ विवेक की आवश्यकता थी, जो उन्होंने अपने पास नहीं रखा, इसलिए उन्हें भस्म होना पड़ा और उनका जो पूरे संस्थान का उपयोग था अश्वमेध का, वो भी व्यर्थ हो गया।